हेलो। हाँ बोल, क्या कर रहे हो? लोकल ट्रेन में लोकल वेट क्या बोल रहे हो? अच्छा, तो नहीं करेगा तो होते कुछ नहीं ही नहीं। होता अपने नहीं करो अभी अरे आपको देखना था कहाँ तक हुआ है, नहीं समझे? तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था तो अभी से कोई मेरे फोन पर कॉल कीजिए तो समझो कि कहां तक आपको मैं बता चुका हूं। नंबर नोट कीजिए 7631657000। जरा वो खाली कंफर्म कीजिए कहां तक मैं आपको बता चुका हूं। मैं फिर बोल रहा हूँ 7631657000। जरा कॉल करके बताइए तो कहाँ तक मैं बता चुका हूँ आपको। मैं फिर दे रहा हूँ नंबर 7631657000। हेलो। नहीं, कितना ज्वाइन किया देखो, सुनो कितना उन्नीस ज्वाइन किया। पहले बहुत लड़का था, सब चला गया क्या? थोड़ा वेट कर लेता हूँ 2-3 मिनट और। किसी लड़के का फोन आ कर हाँ हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। अब मैं पढ़ाने के लिए था, मैं समझ नहीं पाया कहाँ तक आपको मैं समझा पाया। जो बार बार समझ में आया कि लगता है कि डिस्कनेक्ट मैं हो गया हूँ। हाँ, अभी जो है ये बताइए कि कहाँ तक मैं बता चुका हूँ, ये बताइए। नहीं, अभी जो मैंने बताया था कैलकुलेशन करके 1,28,28,000 होती है, 8,28,000 तक क्लियर है ना आप लोगों का? उसके बाद भी मैं था ना, कोई वहां तक मैंने बताया था कि फेस वैल्यू में कैसे प्रायर प्रॉफिट को ऐड करेंगे, वो बता दीजिए। वो बता, वहां तक क्लियर है? ठीक है, ओके। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, कभी भी कुछ होगा तो थोड़ा सा कंफर्म कर देंगे, ठीक है? इसलिए यूट्यूब में होता है क्या कि हम लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो ये मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए, शुक्रिया आपका, ठीक है? ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो मैंने आपको तो
तो ये कैलकुलेशन क्लियर हो गया 8,28,000 ये कैसे आया। तो जब भी कोई भी होल्डिंग कंपनी किसी सब्सिडियरी कंपनी का शेयर परचेस करेगी तो वो परचेस करने के टाइम में ये देखेगी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उसके कैलकुलेशन के लिए मैंने ये बताया कि सबसे पहले आप लेंगे प्रोपोर्शनेट फेस वैल्यू, यानी कि शेयर का जो फेस वैल्यू प्रोपोर्शनेट है होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी में वो लेंगे। तो प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया कि एक्स कंपनी में एक्स कंपनी ने 8000 शेयर जो है वो वाई कंपनी का लिया था, तो ये 8000 उसका फेस वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पर आपका उसका फेस वैल्यू प्रोपोर्शनेट 800,000 आ गया। अब इसके बाद मैंने ये बताया था आपको कि जो प्रायर प्रॉफिट होगा उस प्रायर प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेटली होल्डिंग कंपनी का कितना है उसमें शेयर वो लेंगे। तो होल्डिंग कंपनी आप जान सकते हैं कि दोनों का जो शेयर है वो क्या है 4:1, आपको पहले मैंने बता चुका था 8000 शेयर लिया 10000 में, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया 80-20 का हुआ तो 4:1 हुआ। तो यहाँ पर प्रॉफिट में यहाँ देखिए 20,000 प्रॉफिट था, तो 20,000 प्रॉफिट का ये 60,000 हुआ और ये रिजर्व में ये हुआ। तो ये फेस वैल्यू में जो भी प्रायर प्रॉफिट होगा उसको आप ऐड करेंगे। अब उसको कंपेयर किससे करेंगे ये देखिए, अब उसको कंपेयर ये करेंगे आप होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडियरी कंपनी के शेयर को परचेस किया तो उसके लिए उसने क्या पे किया, कितना पैसा पे किया, वो कितने में वो शेयर परचेस किया। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा फेस वैल्यू पर ही परचेस करेगा, फेस वैल्यू से कम पे भी परचेस कर सकता है और फेस वैल्यू से ज्यादा पर भी परचेस कर सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर हम ये मान करके चले, सपोज करें कि ये 8000 शेयर जो उसने परचेस किया वो परचेस किया, सपोज कीजिए कि हम ये मान लें कि उसने परचेस किया 800,000। ठीक है, कितने परचेस किया 800,000 में। तो अब यहां देखिए कि कॉस्ट ऑफ 800,000 में परचेस किया सपोज कीजिए, यहां देखिए कॉस्ट ऑफ शेयर्स। तो अब हम लोग ये ए पार्ट हो गया आपका ये कैलकुलेशन और बी पार्ट जो हो गया वो हो गया कॉस्ट ऑफ शेयर्स। कॉस्ट ऑफ शेयर्स, ठीक है, यानी के होल्डिंग कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी को ये 8000 शेयर परचेस करने पर क्या पे करना पड़ा। तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि सपोज कीजिए कि एक्स कंपनी ने वाई कंपनी के 8000 शेयर को 800,000 में दिया। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ शेयर्स कितना हो गया 800,000। अब यहां देखिए पे कर रहा है 800,000 और अर्न कितना कर रहा है सब्सिडियरी कंपनी से 8,28,000। ठीक है, तो अब यहां पर एक्स कंपनी को क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट क्या कहलाएगा कैपिटल रिजर्व, ये प्रॉफिट क्या कहलाएगा कैपिटल प्रॉफिट। तो यहां पर इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, ये 28,000 जो है ये क्या कहलाएगा कैपिटल प्रॉफिट, और इसको हम लोग ट्रांसफर कहां करेंगे कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि किस तरीके से कैपिटल प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा। अब सपोज कीजिए कि एक्स कंपनी ने वाई कंपनी के शेयर को 800,000 में परचेस नहीं करके उसने परचेस किया 900,000 में। ठीक है, सपोज कीजिए वो कितना दे रहा है 900,000 दे रहा है। तो इसका मतलब ये देखिए फेस वैल्यू प्लस ये प्रायर प्रॉफिट ये दोनों जोड़ करके कितना है 8,28,000, इसका मतलब इससे ज्यादा वो पे कर रहा है। तो जब इससे ज्यादा पे करेगा तो मतलब एडिशनल अमाउंट जो पे किया वो किसका किया पे गुडविल का। ठीक है, तो अब यहां पर कॉस्ट ऑफ शेयर्स यानी बी पार्ट मैंने बताया था क्या कॉस्ट ऑफ शेयर, बी पार्ट मैंने क्या बताया था कॉस्ट ऑफ शेयर्स, तो कॉस्ट ऑफ शेयर्स यहां पर कितना है 900,000। तो अब यहां पर ये क्लियर हुआ, अब यहां पर ए और बी को समझ लीजिए। ए अगर ग्रेटर देन बी होगा, ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन डिफरेंस अमाउंट विल बी क्या होगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, लेकिन अगर ए लेस देन बी होगा, यहां पर देखिए ए का अमाउंट कितना है 8,28,000, अब बी का अमाउंट कितना है ये 900,000, तो यहां पर जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा गुडविल कहलाएगा। तो दोनों चीज मैंने बता दिया कि यहां पर कैपिटल प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रिजर्व में किस तरीके से ट्रांसफर होगा, ये गुडविल कब होगा, इसमें दो पार्ट आप बना लेंगे, एक ए पार्ट, ए पार्ट में रखेंगे आप कॉस्ट ये फेस वैल्यू प्रोपोर्शनेट फेस वैल्यू ऑफ शेयर प्लस प्रायर प्रॉफिट इन सब्सिडियरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी
का कितना शेयर सब्सिडियरी कंपनी में प्रायर प्रॉफिट में उसको जोड़े और उसके तब कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर होगा। फर्स्ट केस देखिए, ए ग्रेटर देन बी तो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। और ए अगर लेस देन होगा तो क्या होगा, तो ये मैंने दोनों चीज बता दी आपको। यहां पहले देखिए ए कितना है, 8,28,000, बी कॉस्ट ऑफ शेयर कितना, 8,48,00,000, तो यहाँ कितना हो गया, ये डिफरेंस क्या है, ए ग्रेटर देन बी है तो क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व। और यहाँ देखिए ए लेस देन क्या पे कर रहा था, दूसरा केस मैंने लिया कि सपोज कीजिए 8,00,000 की जगह पर वो 9,00,000 पे कर रहा है, ठीक है, तो अब गुडविल का अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए ए लेस देन बी, ए का अमाउंट कितना, 8,28,000 और बी का अमाउंट कितना, 9,00,000। अब ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहां देखिए72,000 क्या हो गया, गुडविल हो गया। तो अब ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे हम। दो 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 कैलकुलेशन मैंने बता दिया, डिग्री ऑफ कंट्रोल और दूसरा मैंने बताया कैलकुलेशन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल, ठीक है। और तीसरा कैलकुलेशन आज बता रहा है, उसका फिर और भी कैलकुलेशन जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब मैं आपको थर्ड कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैसे निकालेंगे, ये क्लियर हो गया। अब आइए माइनॉरिटी, तो थर्ड कैलकुलेशन देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में अब यहां देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अभी समझा चुके हैं, शेयर क्या था 4:1, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 1/5 शेयर कैपिटल, तो अब यहां देखिए 10,000 × 100 इसका मतलब इसमें कितना शेयर होगा, शेयर कैपिटल ये कितना निकल जाएगा, देखिए ये आपका 20,000 लिया था तो 20,000 का कितना हो जाएगा, ये 20,000 × 1/5 ये क्या हो गया 4,000। इसके बाद ये प्रायर है, ठीक है, दोनों जगह प्रायर में भी और पोस्ट में भी, ठीक है, तो 1/5 पोस्ट में देखिए पोस्ट प्रॉफिट, तो पोस्ट प्रॉफिट आपने कितना कैलकुलेशन किया था 5,000, तो 5,000 का 1/5 ये क्या हो गया 1,000। उसी तरीके से 1/5 पोस्ट जनरल रिजर्व, तो ये भी 5,000 था आपका, तो ये 1,000 आ गया, ये टोटल कितना है, ये देखिए
ये हो गया 2,09,000, ये आपका आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, ये 2,09,000। तो ये क्लियर हो गया कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब ये होगा कि होल्डिंग कंपनी ने जो शेयर परचेज किया उसके बाद जो रिमेनिंग शेयर है उस रिमेनिंग शेयर का कितना इंटरेस्ट सब्सिडियरी कंपनी में है, ठीक है। तो ये किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, तो आज आपको मैंने होल्डिंग कंपनी का मीनिंग बताया, डिग्री ऑफ कंट्रोल बताया, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल मैंने बताया, और फोर्थ आइटम मैंने बताया कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनेगा। इफ में नोट्स भेज दिया है, आप उसको जरूर देखें, जरूर समझें, ठीक है। तो अब देखिए, ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक जरूर करेंगे, और मैंने अपना नंबर भी दे दिया है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाद में। वीडियो दो बार हो जाएगा।